कनक धारा स्तोत्र एक ऐसा पाठ जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पाठ के द्वारा कनक धारा स्तोत्र के पाठ के द्वारा स्वर्ण की वर्षा करा दी थी। इस पाठ में निश्चित ही वो शक्ति है कि स्वर्ण की वर्षा हो जाए, लेकिन ना तो हमारे अंदर इतना तप का बल है और ना ही इतनी अटूट हमारे अंदर श्रद्धा है, तो स्वर्ण की वर्षा होना तो आज के समय में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर प्रतिदिन इसका पाठ किया जाए, जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है प्रतिदिन, उसे इसका प्रभाव पता है। लेकिन जो लोग इसका पाठ नहीं कर रहे हैं, अगर वो प्रतिदिन इसका पाठ करें तो निश्चित ही घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने लग जाती है। और जब धन आगमन होता है तो स्वर्ण का आगमन भी हो ही जाता है, क्योंकि स्वर्ण तो तभी खरीदा जाएगा जब धन घर में आएगा। और धन आगमन के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ सर्वोत्तम पाठ है। इसमें ना तो आपको किसी जाप के मंत्र जाप की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी माला की आवश्यकता है। आप इसका पाठ कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं वैसे तो। और अगर आप इसका पाठ प्रतिदिन करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, माता लक्ष्मी के आगे घी की ज्योत जलाकर, घी का दीपक जलाकर, अगर आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने इस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और अधिक धनवान बनना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो आप बेवजह के टोने टोटके और तंत्र मंत्र के प्रयोगों को छोड़कर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतिदिन इसका पाठ सुनते भी हैं तो भी आपको इसका फल अवश्य मिलता है। प्रतिदिन अगर आप इसका एक पाठ भी नियम से सुनना शुरू कर दें तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम शुक्ला आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कनक धारा स्तोत्र का पाठ। अंगम हरेह पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता अखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेह प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरुवेद्विशोपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रम् भुत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रशिकैटभारैर्धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल्यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पतेत्तदिह मन्थरमिक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनुद्रविणाम्बुधारामश्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते
दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः गिर्देवतेति गरुड़ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्त्रिभुवनैकफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि शकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यत् यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः कनकुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गिम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिराजगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्महं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमाम् गुणाधिका गुरुधन भोग भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः जय मां लक्ष्मी जय मां महालक्ष्मी हे मां लक्ष्मी सदा सर्वदा आपकी कृपा दृष्टि इस पूरे संसार पर बनी रहे। मां लक्ष्मी के इस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने मात्र से जीवन की जो भी समस्याएं हैं जितनी भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं वो सारी तंगी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको आप अगर आप प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण अवश्य करेंगे, इससे आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।